हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रोज़ पेस्ट्री की रेसिपी। ये देखिए, ये हम मिल्क रोज़ पेस्ट्री आज बनाने वाले हैं। लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस। फ्रेंड्स, ये रोज़ पेस्ट्री बिना अंडे के, बिना कंडेंस मिल्क के हमने बनाई है। बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है, बिल्कुल ही नए तरीके की पेस्ट्री है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, ये रोज़ पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप के करीब दही। यहाँ पे मैं ज़्यादा खट्टे दही का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और जितनी मैंने दही ली है उतना ही पिसा हुआ चीनी का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस लिया था, तो 1/4 कप के करीब ही मैंने यहाँ पे चीनी ली है पिसी हुई। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। फ्रेंड्स, इसके अंदर रोज़ जैसा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पे पिंक फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर रोज़ एसेंस डाल रही हूँ 10 बूंद के करीब। तो इस सारे मिक्सचर को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की सहायता से। और एक बार इसको लम्प फ्री अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका। तो ये जो रोज़ पेस्ट्री है इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसके अंदर असली गुलाब के फूल की पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छन्नी रख दी है। इसके बाद हम इसके अंदर 1.5 कप के करीब मैदा छानेंगे। ये 1.5 कप के करीब मैंने मैदा डाल दिया है। इसके बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नाप के डाला है। और 1/4 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसके अंदर छान लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे हम और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा दूध मत डालिएगा, नहीं तो लम्प्स पड़ जाते हैं। तो ये जो है दूध मैंने देखिए सारा डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आप ये जो है इसका रोज़ पेस्ट्री का कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर आता है। और बहुत ही टेस्टी ये जो है पेस्ट्री लगती है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स तो कर लिया है अच्छे तरीके से, लम्प्स नहीं होने चाहिए। एक बार इसको लम्प फ्री मिक्सचर में बना लूँगी, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालूँगी। 2 से 3 चम्मच के करीब दूध मैंने और डाला है इसकी जो है थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर होना चाहिए। ये देखिए अब ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आप इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा लाइट पिंक कलर आया है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक केक टिन ले लिया है। आप किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हो, लेकिन आज हम पेस्ट्री बना रहे हैं तो इसलिए मैंने स्क्वायर केक टिन लिया है। इसमें हम ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा मैदा जो है डस्ट कर देंगे। आप ये जो केक है नॉर्मल घर की स्टील की थाली में भी बना सकते हो। मैंने इससे पहले स्टील की थाली में भी केक बनाना बताया है। तो ये मैदा जो है चारों तरफ हम फैला देंगे, इससे केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और एक्स्ट्रा मैदे को हम हटा देंगे। इसके बाद ये जो केक का सारा मिक्स है ये इसके अंदर हम डाल देंगे और ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ही जो है फ्लेवरफुल केक बनता है। ऐसा केक आपने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। ये रोज़ फ्लेवर का केक है। अभी दिवाली का टाइम है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे मिठाइयाँ मैं आपको बताऊँगी, तो इसको आप केक और मिठाई का मिक्स भी बोल सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर केक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। तो ये मैंने केक का सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया है। फ्रेंड्स, आज मैं OTG ओवन का यूज़ कर रही हूँ केक बेक करने के लिए। इससे पहले मैंने कढ़ाई में कुकर में भी केक बेक करना बताया है, तो आप चाहें तो इस केक को कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पे इसको बेक करने के लिए रखा है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये बेक हो गया है। ये देखिए फूला फूला सा, बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा केक बना है। इसको बाहर सावधानी से हम निकाल लेते हैं। इसको 25 मिनट लगे हैं बनने में। मैं एक टूथपिक डाल के इसको चेक कर लेती हूँ कि ये बेक हो गया है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक आई है, इसका मतलब हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। तो इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। अब मैं चारों तरफ चाकू डालूंगी और इसको छुड़ा लूंगी। इसका कलर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही फूला फूला, बिल्कुल तकिए जैसा ये केक लग रहा है, सॉफ्ट पिल्लो के जैसा केक लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक जो है टर्निंग टेबल ले ली है, इस पर मैं उल्टा दूँगी। और ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट केक।
तो ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, देखिए फ्लफी है, बिल्कुल तकिए जैसा सॉफ्ट केक बना है। अब आप चाहो तो इसको दो पीसेज में काट के इसको डेकोरेट कर सकते हो अच्छे तरीके से। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आज सर्व करने वाली हूँ। हम इसके अंदर मिल्क रोज को सोक करवाएंगे। तो मिल्क रोज जो है मुझे बहुत पसंद आता है, काफ़ी सारे लोग हैं उनको भी पीना बहुत अच्छा लगता है मिल्क रोज। तो मैंने जो है इसके अंदर इस तरीके से टूथपिक से छेद कर दिए हैं ताकि जो हम हैं इसके अंदर मिल्क रोज को अच्छे से सोक करा सकें, और वो सोक करने से जो रोज का फ्लेवर है, मिल्क रोज का फ्लेवर है इस केक के अंदर और अच्छे से आएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और मॉइस्ट केक बनने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस स्टाइल में। यहाँ पे मैंने एक ग्लास के करीब ठंडा दूध लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा फेवरेट और बहुत ही टेस्टी रोज़ सिरप। तो फ्रेंड्स आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हो या अपनी पसंद का कोई भी जो रोज़ फ्लेवर का आपका सिरप है, मार्केट में मिलते हैं अलग अलग तरीके के, वो ले सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब, छोटे चम्मच डाला है, ज़्यादा ओवर मीठा नहीं करना है हमें क्योंकि हमने केक में भी चीनी डाली है ऑलरेडी, और इसीलिए मैंने केक के अंदर कम चीनी डाली है क्योंकि इसके अंदर हम जो है इसको मिल्क रोज से सोक करने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको इस तरीके से कॉफ़ी केक भी बताया था, वो रेसिपी भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी केक बना था। तो इस तरीके से देखिए मैं आधे से ज़्यादा जो मिल्क रोज़ है वो तो इस तरीके से सोक करवा दूंगी, और आप देख सकते हो कि ये स्पंज इतना सॉफ्ट और जालीदार है कि एकदम से ये सोक कर ले रहा है सारे के सारे मिल्क रोज़ को। इस तरीके से जो केक्स बनते हैं ना इंडिया में अभी कम पॉपुलर हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी केक बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट केक बनते हैं। इस तरीके के केक को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक में मैंने आधा कप से भी ज़्यादा जो है मिल्क रोज़ को सोक करवा दिया है और चारों तरफ से बॉर्डर्स थोड़े से क्लीन कर दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम ली है और नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम ली है, मेरी क्रीम ऑलरेडी जो है मीठी थी और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ एसेंस भी मिक्स किया है ताकि जो है इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ सके गुलाब की। आप चाहो तो इसके अंदर गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हो, खाने वाला जो आता है 1/4 चम्मच के करीब। और ये जो है इसके ऊपर हम मोटी सी लेयर लगाएंगे क्योंकि हम पेस्ट्री बना रहे हैं, तो बॉर्डर्स को मैं कवर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ऊपर है ना जो मोटी सी एक लेयर लगा दूंगी क्रीम की ताकि खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है फ्लैट कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया है, बॉर्डर्स को भी स्मूथ कर देना है हमें। और ये जो केक है इसके अंदर रोज़ का फ्लेवर है, मिल्क रोज़ से सोक किया है हमने, और ऊपर भी बहुत ही अच्छी रोज़ फ्लेवर वाली मैंने क्रीम लगाई है, क्रीम ऑलरेडी मेरी मीठी थी। तो इसके अंदर देखिए अभी मैं वर्क लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मैं फेस्टिवल स्टाइल में बना रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बस देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इसलिए मैं लगा रही हूँ, और मिठाई जैसा लुक आता है ऊपर से और बहुत ही डिफरेंट लगता है। वैसे केक्स पे इस तरीके से जो है वर्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो है मैं इसको थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाह रही थी तो इसलिए मैंने वर्क लगा दिया है इसके ऊपर। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा पिस्ता कतरन लगाएंगे ऊपर और ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आया है इससे। और इसके बाद हम जो है रोज़ पेटल्स लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली ये रोज़ केक है, तो यहाँ पे मैं ड्राई रोज़ पेटल्स लगा रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश रोज़ है, जो लाल कलर का सुर्ख गुलाब आता है, गुलाबी रंग का जो गुलाब है, खुशबू वाला देसी गुलाब, उसकी पत्तियाँ आप लगा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश गुलाब तो नहीं था लेकिन मेरे पास यहाँ ड्राई रोज़ पेटल्स है और ये बहुत ही खुशबूदार है, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके का केक आप जो बड़े लोग होते हैं ना घर में उनको ज़रूर बना के एक बार खिलाइएगा, काफ़ी सारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चॉकलेट का टेस्ट पसंद नहीं आता है, उनको ये केक ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए एनिवर्सरी पे बनाइए, बर्थडेज़ पे बनाइए या फिर ऐसे ही खा लीजिए आप बना के, तो बहुत ही टेस्टी केक है। ये देखिए लग रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए अभी मैं इसको आपको पीसेज में काट के दिखाती हूँ, बड़े शार्प नाइफ से काटिए ताकि बिल्कुल क्रिस्प एजेस निकले इसके और पेस्ट्री जो है देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगे। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है ही, देखने में भी ये बहुत लाजवाब है। ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टेस्टी डिलीशियस रेसिपी को। अभी रेसिपी फ्रेंड्स ख़त्म नहीं हुई है, मैं इसको आपको सर्व करने का एक नया तरीका भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने एक जो पेस्ट्री का पीस है इसको निकाल के अलग रख लिया है और बचा हुआ जो ठंडा ठंडा मिल्क रोज था ठंडी ठंडी पेस्ट्री के साथ हम इस तरीके से सर्व करेंगे। वैसे तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत देखने में ब्यूटीफुल लगता है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है।
तो आप इस तरीके से एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जानती हूँ बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए ठंडे ठंडे मिल्क रोज़ के अंदर हम इस तरीके से ये जो गुलाब पेस्ट्री है, रोज़ फ्लेवर वाली पेस्ट्री है, इसको रख दिया है। और अब मैं आपको इसको खा के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है, वाओ। आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, और भी टेस्टी डिलीशियस केक्स की, चॉकलेट्स की, स्नैक्स की रेसिपीज़ देखनी है तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लीज़ चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।